नमस्कार दोस्तों, सीकेपी से आठ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी निकल के आ रही है बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इंडियन नेवी की 2023 की, अभी आपका फरवरी कहे तो बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत देखा जाए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। चलिए मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन 01/2023 के बारे में बात करेंगे तो NAD की वैकेंसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ट्रेड्समैन स्किल्ड का, मतलब कुशल वर्कर का है यहाँ पर। तो कुशल वर्कर यहाँ पर जो साइट आपकी दी गई है, साइट पर जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ यहाँ पर जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी नॉन रजिस्टर्ड है आपका इंडस्ट्रियल, पे लेवल आपका जो रहेगा यहाँ पर 2 पे लेवल रहेगा। यहाँ पर सैलरी जो आपकी बनेगी 1900 से 63,200 तक बनेगी। ये पीछे का मत लीजिए, आप आगे क्या लीजिए, जैसे बेसिक सैलरी 1900 है आपका, उसमें TA DA भत्ता या चारी ये सब जोड़ के आपकी काफी सैलरी बन जाती है, बहुत अच्छी सैलरी बन जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट है आपका NAD करके मुंबई से निकला है यहाँ पर। डिसीजन डायग्नेशन ट्रेड्स की बात करेंगे, यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर ट्रेड है या जनरल SC ST OBC है, यहाँ पर टोटल पोस्ट आपके दिए गए थे। 8 पोस्ट किस में है भाई, मशीनिस्ट में आपका, आप देख सकते हैं सबका कैटेगरी वाइज आपका बटा हुआ है। ड्राइवर की बात करेंगे तो ये सब बटा हुआ है, 4 पोस्ट है आपका। स्वीपर राइट की बात करेंगे तो 2 पोस्ट है आपका। पेंटर की बात करेंगे तो 2 पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शनल ट्रेड की यहाँ पर कुछ ऑप्शनल ट्रेड भी है। तो यहाँ पर फीटर की बात करेंगे तो यहाँ पर 38 सीट है, ठीक है। तो ये जनरल फेडर की नहीं है, ऑप्शनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। जनरल यहाँ पर फेडर जनरल मैकेनिकल आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 ट्रेड आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनल ट्रेड में, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर फेडर का आ रहा है तो फेडर इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप अपना देख के भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का फेडर का है तो ये भी आप देख के भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फेडर का ये भी आप देख लीजिए, अपना कर सकते हैं, ठीक है। NAD आपका करवार का आ रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल फेडर की बात करेंगे, ये ऑप्शनल ट्रेड ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जनरल फेडर मशीनिस्ट, यहाँ पर 18 पोस्ट है, ये आपको फेडर वाले भर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फेडर वाले यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल मैकेनिक आपका फेडर, ये असेंबली वगैरह मेंटेनेंस फिटिंग करने के काम में लाया जाता है, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शनल ट्रेड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शनल ट्रेड है, यहाँ पर फिर से दिया है उसी प्रकार से, एक एक सीट है यहाँ पर। टोटल वैकेंसी यहाँ पर, ये कहाँ का है तो गोवा का है, मतलब हर जगह से ये इन्होंने क्या किया है कि अच्छी तरीके से पूरा हर जगह से निकाला है, ठीक है। विशाखापट्टनम का थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं विशाखापट्टनम का ड्राइवर केन का आपका है, फेडर फेडर आर्मेंट का है आपका, देख सकते हैं स्किल्ड का है आपका, 35 पोस्ट है आपका, 7 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ पोस्ट निकली हुई है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर रामबली का आप देख सकते हैं, फेडर के यहाँ 3 पोस्ट दिया है, AAA का आपका 3.9 पोस्ट दिया है, स्किल्ड का यहाँ पर आपका मैकेनिक का 3 पोस्ट दिया है, बहुत अच्छी सीट है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वैकेंसी 15 इसमें आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक जगह का और निकला है, आप अपना देख सकते हैं और देख के फॉर्म को फिलअप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप पोस्ट को फाइनलाइजेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे किस जगह का KSA रिक्वायरमेंट है, मशीनिस्ट ड्राइवर केन फेडरल या जनरल या फेडरल इलेक्ट्रॉनिक GW यहाँ पर उस प्रकार से मेंशन किया गया, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ आगे, यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज की बात किया गया है, रिविजन क्या, और यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। 18 से 25 इसका एज रहेगा, लेकिन कैटेगरी वाइज में आपका SC ST का 5 ईयर्स का छूट मिलेगा, OBC का 3 ईयर्स का मिलेगा, SM का आपका 3 ईयर्स प्लस पीरियड मिलिट्री सर्विस जैसे है वहाँ पर 0-3 ईयर्स का आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। PWD का बहुत ज़्यादा है, UR 10-13 और यहाँ पे 15 है। यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद द यहाँ पर 3 ईयर्स आपका सर्विसेज के हिसाब से बात है, 40 और 45 SC ST कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। आगे मैं बात कर एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम में, ओके एक चीज़ और मैं छोड़ रहा था यहाँ पर सरगुल, यहाँ पर कुछ डेट है, क्लोजिंग डेट फॉर द रिग्नेशन तथा ऑनलाइन एप्लीकेशन, कह रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकला है डेट, उसके 3 दिन के बाद से आप जोड़ लीजिएगा 28 दिन तक, कितना 28 दिन तक ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन से निकला उसके 3 दिन बाद से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे, 205 रुपया लगा है, कितना 205 रुपया, बहुत से कम है, कोई दिक्कत नहीं, और ठीक भी है, अधिक भी है, दोनों भी है, कुछ लोगों को कम लगेगा, कुछ लोगों को अधिक लगेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे क्या होगा आपका,
मेट्रिकुलेशन इंग्लैंड रिगनाइजेशन बोल्ट आपका ये तो चेक ही होता है भाई हर जगह, सर्टिफिकेट कोर्स नेम रिगनाइजेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब आपकी आईटीआई का सर्टिफिकेट है, क्राफ्ट्स है, मैंने सी पे ट्रेनिंग है या स्कीम जो भी रहेगा आपका ये सब चेक होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन जो भी आपका ट्रेड है, फील्ड है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल आपका ये सब जांच हो जाएगा। फॉर रिकमेंडेशन आप पोस्ट है जो भी आपका पोस्ट वगैरह रहेगा उसकी जाँच अच्छी तरीके से की जाएगी, ये सब चीज़ छोटी छोटी बताई गई है, कॉमन चीज़ें आप लोगों को वहाँ जाएंगे तो खुद पता हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर फिल्टर, यहाँ पर कुछ पोस्टें दी गई उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आर्मामेंट के बारे में बताया गया है, तो रिपेयर मेंटेनेंस यहाँ पर डिफॉल्ट कुछ चीज़ें है या सेम आर्म्स है, आर्म्स मेंटेनेंस वर्कशॉप है, बोर्ड है, रिसिप्लेंट जो भी है आपका पार्ट्स वगैरह ये सब करने के लिए लिया जाएगा। जैसे एक छोटा सा मशीनिस्ट का मैं ले लेता हूँ, तो मशीनिस्ट का जैसे लेथ मशीन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सब, तो मिलिंग है, बोरिंग है, ड्रिलिंग है, पावर है, हेक्सा है, ये सब काम करने के लिए मशीनिस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सब के चीज़ के लिए एक एक करके आपको कैटेगरी वाइज इसमें बताया गया है। आगे मैं बात कर रहा था यहाँ पर मेड ऑफ सेलेक्शन की बात करेंगे तो एक्सटेंशन गाइडेंस परमानेंटली यहाँ पर कंपोनेंट मतलब ठीक है, ये भी तरीका जो बताया गया है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं बात करता हूँ सीधे कॉमन वो चीज़ बताऊंगा आपको, टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है। सेम द रिटर्न एग्जाम मतलब जनरल इंटेलिजेंट आपका रीजनिंग ये सब मिला के, जनरल इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग मिला के आपका 10 नंबर है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर है आपका, मैथमेटिक्स वगैरह इंग्लिश से 10 नंबर आएगा, अवेयरनेस जैसे जीएस जीके ये सब मिला के 20 नंबर का आ जाएगा, तो 50 नंबर ये हो गया, 50 क्वेश्चन ये हो गया, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, चाहे 100 मार्क्स या 100 क्वेश्चन जैसे करवाएं, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिलेबस एग्जामिनेशन है, तो जनरल में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बता दिया, नॉन वर्बल वर्बल ये सब जनरल एबिलिटी रीजनिंग के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीज़ें आप एक एक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक कुछ है, रिलेशनशिप्स है, ब्लड से संबंधित ही सब देगा। न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ये सीओ डिस्टेंस यहाँ पर प्रॉफिट लॉस ये सब बताया गया, टाइम्स है, वर्क से है, तो ये सब क्या है परसेंटेज से है, तो ये सब आप फंडामेंटल से है, नंबर से है, तो ये सब देख सकते हैं। जिन्हें इंग्लिश की बात करेंगे तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से ये सब दिया है, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स से है, ये ज्योग्राफी है, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ और देख लेता हूँ इसमें कुछ ऐसे कुछ पॉइंट तो एग्जामिनेशन से छूट नहीं रहे, आप ईमेल आईडी वगैरह ये सब अच्छे से भर दीजिएगा, डेटा ऑफ एग्जामिनेशन जो भी रहेगा मैंने आपको ऊपर बताया, ये साइड है यहाँ पे ओपन होती है, तो वहाँ पे जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी प्रक्रिया यहाँ पे सब बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग डेट या रजिस्ट्रेशन पोर्टल है और क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ये कह रहा है कि भाई साहब ये डेट आप जोड़ सकते हैं, तीन दिन जिस दिन से न्यूज में ये निकला उस दिन 3 दिन के बाद से मतलब स्टार्ट हो जाएगा और 28 दिन तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं, साइट पे आ जाएगा, आप जान भी जाएंगे और बता भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से गाइडलाइन के फिलिंग से यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे साइट कह रहा है कि जाइए और वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करिए, बाकी ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ बताया जाए कि जो भी फोटोग्राफ साइज है मतलब इतने से इतने केबी में आप सिग्नेचर या फोटोग्राफ है जो भी है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का ये चीज़ होना चाहिए, फोटोग्राफ या पासपोर्ट साइज जो भी है आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर फेस कवरेज मतलब शोल्ड भी मंथ मतलब 3 मंथ का ये कह रहा है कि मतलब अपडेटेड फोटो होना चाहिए, कि जैसे बहुत लोग क्या करते पुराना डाल देते हैं, एग्जामिनेशन में जांच करते समय बहुत दिक्कतें आती हैं, मतलब फोटो मैच नहीं हो पाता है, तो इस कारण से वो लोग एग्जाम के लिए थोड़ा सा दिक्कतें होती है, क्योंकि आपको भी अगर बाहर बैठाया जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप फोटो वगैरह जो भी डालिए साफ सुथरा डालिए, सिग्नेचर वगैरह जो भी डालिए आप साफ सुथरा डालिए, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करो वहाँ पर सिलेक्शन लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार दोस्तों। जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग जानकारी चाहिए आपका ट्रेड वगैरह जो भी रहेगा मैं अथेंटिक जानकारी देते रहूँगा, और वीडियो आप लोगों के टेक्निकल की वीडियो जो भी रहेगी आपको बता के दे दूंगा, तो इससे आप सक्सेसफुल हो। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।